उत्तर प्रदेश की जो राजनीति अब तक बीजेपी बनाम समाजवादी गठबंधन कही जा रही थी, वहां अब तीसरा मोर्चा भी खुल गया है। तीसरे मोर्चे का यह प्रयोग असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग की उपज है। मोर्चे के तीन अहम घटक हैं, पहला मुस्लिम, दूसरा ओबीसी और तीसरा दलित। दरअसल ये प्रयोग मुसलमानों के साथ साथ ओबीसी और बहुजन समाज को साधने की कोशिश है। सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ओवैसी थर्ड फ्रंट के जरिए वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। इन्हीं सवालों के विश्लेषण से जुड़ी सुपर प्राइम टाइम की यह रिपोर्ट देखिए। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश में मजलिस के परचम तले मुसलमानों के लीडरशिप को देखना चाहता हूं। मोदी से डरेंगे न योगी से डरेंगे, अखिलेश के इन दिल फरेब बातों में आएंगे। यूपी में सियासी लैला मजनू की तलाश आखिरकार चुनावी निकाह के साथ मुकम्मल हो गई। छह महीने पहले उत्तर प्रदेश में एंट्री करके पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी को सियासी गठबंधन के मोर्चे पर अब तक नाकामी ही हाथ लगी थी। कभी ओम प्रकाश राजभर से दिल नहीं मिला तो कभी समाजवादी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। सियासी लैला मजनू ढूंढने को बेताब ओवैसी अकेले यूपी की 100 सीटों पर ताकत आजमाने का दावा करते रहे। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी को सहारा मिला है, गठबंधन की उनकी सियासी मुराद कबूल हुई। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष वामन मेश्राम और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पहले चरण के मतदान के 19 दिन पहले उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाया है, जिसे नाम दिया गया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। हम तमाम ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है। तीसरे मोर्चे के संयोजक जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस मोर्चे का असर क्या होगा? चुनावी समीकरण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी से अलग तीसरा मोर्चा कितनी बड़ी सियासी ताकत बनेगा, इसका विश्लेषण भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए, जिसे तीसरे मोर्चे से संभावित नुकसान है वो क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था उससे घबरा गई। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से समाजवादी खेमे के दलों को फर्क पड़ेगा या नहीं, ये चुनाव परिणाम के बाद साफ होगा। लेकिन अभी चुनावी रणनीति के आधार पर आकलन जरूरी है। AIMIM ने पहले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इनमें 95% सीटों पर सब कुछ तय हो चुका है। 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा पहली बार। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया है, 95% सीटों पर, ठीक है। 5% सीटों पर तीन दिन के अंदर नाम के साथ लिस्ट घोषित की जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि जो असर पहले 100 सीटों तक सिमट जाता वो अब ज्यादा पड़ सकता है। जातिगत गणित कई पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी करते दिख रही है। असदुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर 19% मुसलमान वोटर हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का वोट बैंक ओबीसी वोटर है और वामन मेश्राम दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। यही वजह है कि गठबंधन ने दो मुख्यमंत्री और तीन उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तक बना लिया है।
उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है, तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। ये प्रयोग नया है, लेकिन ऐसे सियासी तुर्रे के मायने क्या हैं, इसका रहस्य बताएंगे। उससे पहले नए नवेले तीसरे मोर्चे की उम्मीदें जान लीजिए। मिलकर के हम लोगों ने अभी इस मोर्चे को बनाया है और कुछ साथी और हमसे संपर्क में हैं, तो वो जल्दी हो 1-2 दिन में उनसे बात करके जो साथी हमसे जुड़ना चाहेंगे उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। अब ऐसे दावों की बुनियाद क्या है और निशाना कहाँ है, अब ये समझिए। असदुद्दीन ओवैसी की नजर 20% मुस्लिम आबादी पर है। 403 में से 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर माना जाता है। ओवैसी के सामने मुख्य चुनौती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की है। ओवैसी को भरोसा है कि AIMIM को मुस्लिम वोट मिलेगा जो यूपी की लड़ाई को 99% बनाम 1% बना देगा। ये जो लड़ाई है ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। अब ओवैसी जो कहें, लेकिन उनके दिमाग में जो चल रहा था वो किसी को नहीं पता था, जिसकी पुष्टि करता है बाबू सिंह कुशवाहा से मांगा गया साथ। बाबू सिंह कुशवाहा ने 52% ओबीसी वोट बैंक पर नजर गड़ाई है। इनमें 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, लेकिन इस वोट बैंक से नुकसान समाजवादी पार्टी और बीजेपी को हो सकता है। इधर बाबू सिंह कुशवाहा का वोट बैंक रहा कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी का प्रतिशत सिर्फ 6 है, इसलिए सेट किया गया टारगेट बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इतना तय है कि भागीदारी मोर्चा कई दलों के ओबीसी वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। रही बात सबसे बड़े फैक्टर दलित वोट की, तो उसे भी गठबंधन में जगह मिली है। वामन मेश्राम के जरिए तीसरे फ्रंट की नजर 21% दलित मतदाताओं पर है। 403 में से 300 सीट पर दलित वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं, लेकिन इस वोट बैंक को हासिल करने में सबसे बड़ी चुनौती BSP है और उसके बाद एक चुनौती चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भी है। दलित वोटर किधर जाएगा ये कोई नहीं जानता। रही बात बामसेफ की, तो कांसीराम ने जिस संगठन की स्थापना की उसका BSP से नाता टूट गया, इसलिए दलित नेतृत्व का नया चेहरा आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं। चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है, तो वो जो हमने पहले कहा ये दरवाजे खुले हैं तो फिर वो बातें होंगी ना। AIMIM के पास यूपी में चुनावी चुनौतियों को पार पाने का एक ही रास्ता था, गठबंधन के सहारे सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला साधना, जिसमें भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का अस्तित्व अहम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।